तो जम्मू कश्मीर में सीमा पर भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। उरी सेक्टर में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है और भारतीय सेना ने इसे नाकाम कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और साथ ही और एक आतंकी को जिंदा भी पकड़ा है, जहां उरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। ऐसी कोशिश करने वाले कई आतंकियों को सेना ने मार गिराया। भारतीय सेना ने पिछले 7 दिनों में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकियों को मार गिराया है। और मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने आज उरी में हुए ऑपरेशन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वीरेंद्र वत्स के मुताबिक 18 सितंबर को पेट्रोलिंग के वक्त घुसपैठ की जानकारी मिली थी और उसी के बाद वहां पर गोलीबारी हुई थी। 6 लोगों के ग्रुप में कुछ को वापस पाकिस्तान की ओर भेज दिया गया। और वीरेंद्र वत्स के मुताबिक 26 सितंबर को एक आतंकवादी मारा गया था और दूसरे ने अपनी जान की भीख मांगी थी। इसी के बाद उसे कस्टडी में ले लिया गया था और उससे पूछताछ की गई थी। उरी में जो आतंकवादी पकड़ा गया है उसका नाम अली बाबर है, जो पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है। आतंकी ने खुद को लश्कर से जुड़ा बताया है। सेना के अफसरों के मुताबिक जिंदा पकड़े गए आतंकी ने अपनी मां का टेलीफोन नंबर भी दिया। उसे सिर्फ यहां पर हथियार सप्लाई करने के लिए भेजा गया था और यह घुसपैठ सलामाबाद नाले से की गई थी, जहां से 2016 के उरी हमले के लिए आतंकवादी आए थे। सेना के मुताबिक 18 सितंबर से ही उरी सेक्टर में लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही थी और 23 सितंबर को ही 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। इनके साथ रहे 2 आतंकी तब यहां से बच निकले थे और सेना द्वारा इन 2 की तलाश तभी से चल रही थी, जिनमें से अब 1 मर चुका है और 1 को जिंदा पकड़ा गया है। यहां चली लंबी मुठभेड़ में सेना के कुछ जवानों को चोट भी पहुंची है। भारतीय सेना के अफसरों द्वारा जानकारी दी गई है कि पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर की शांति व्यवस्था बिगाड़ने को लेकर ऐसा किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना लगातार पिछले कुछ वक्त से ऐसी कोशिशों में जुटी है। 23 सितंबर के बाद से ही भारतीय सेना अलग अलग ऑपरेशन चला रही है और आतंकवादियों को मार रही है। सेना का कहना है कि आतंकियों के कैंप में पिछले कुछ वक्त से वो भरे हुए थे, लेकिन 1 महीने के भीतर अब घुसपैठ बढ़ना स्टार्ट हुई है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कोई आतंकी भारत में घुस नहीं पाया है। पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है, क्योंकि अब कश्मीर में पत्थरबाजी हो नहीं रही और न ही युवा उनके साथ जा रहे हैं। Identified himself as Ali Babar Patra. Ali Babar Patra, aged 19 years, son of late Muhammad Latif, resident of Dipalpur, district Okara, Punjab of Pakistan. He has admitted that he is a member of Lashkar-e-Taiba. He was trained by that outfit. And giving details of his training, he has revealed that he underwent a 3-week course in 2019 at Khyber Camp, Gadi Habibullah, Muzaffarabad. That's the location of his training camp that he has revealed. Subsequently, after training, he was sent home, and thereafter he was recalled for some important task this year. Individual has given the details of his residence. He has also given the contact number of his mother. That's and number I'll just give it to you. 0301-366-8927. I'll repeat the number. 0301-366-8927. While he claims, the surrender terrorist, he claims that he was informed by his handlers, by the group, that he is to drop a supply in the area of Pattan. That's the information he was given. He was told that he is going to drop a supply at Pattan. But when we go over the recoveries and modus operandi, it is quite possible that these infiltrating groups had come here for some kind of a strike which went beyond just a supply drop. Now, if I invite your attention to the fact that this infiltration attempt was made in the area of Salamabad Nala, this is the same area
through which we have had a history of infiltration in 2016. That is when a suicide attack at Uri garrison took place. It is also revealed that this infiltration group was supported from the Pakistani side by three porters who had come till the line of control along with. तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा मामला आपको समझाएंगे. बने रहिए एनबी न्यूज के साथ. तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राजधर्म में. आज हम बात कर रहे हैं कि भारत ने लगातार पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उसको भारत की सेना लगातार विफल कर रही है, और इसी के मद्देनजर उरी सेक्टर में घुसपैठ करते हुए एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया है. ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आपको ये क्या कुछ ये पूरा मामला है. तो कब सुधरोगे पाकिस्तान? उरी में सेना का बड़ा ऑपरेशन. उरी में सेना लगातार ऑपरेशन चला रही थी जिसमें घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों पर निशाना था. तो सेना ने इसको लेकर एक बड़ी साजिश का बड़ा खुलासा किया है. तो आतंकी साजिश को सेना की तरफ से नाकाम किया गया है. यह बड़ी घुसपैठ की साजिश आतंकियों की तरफ से की जा रही थी. ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं लश्कर के एक आतंकी को सेना ने जिंदा हालत में पकड़ा है ये. और इसी के साथ आपको बता दें कि आतंकी से हथियार और पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है. इसी के साथ आतंकवादी का नाम अली बाबर बताया जा रहा है, और इसने 3 महीने पाकिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग ली थी. ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है. साथ ही इस आतंकी अली बाबर की उम्र महज 19 साल, ये बात बड़ी बात निकलकर सामने आई है. तो पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है अली बाबर, और महज 19 साल की उम्र में ही वो खतरनाक आतंकी मंसूबों को लेकर भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था. अली बाबर हथियारों की सप्लाई करने आया था. सेना के अधिकारियों की तरफ से उसने जो बयान जारी किया है, सेना की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें आतंकवादी ने कबूला है 7 AK-47 राइफल, 9 ग्रेनेड ये आतंकी से बरामद किए गए हैं. और एक आतंकी जिंदा जो अली बाबर है ये पकड़ा गया, और एक आतंकवादी मारा गया है ये सेना के हवाले से बताया गया है. तो पिछले 7 दिन में 7 आतंकवादियों को ढेर भी किया गया है. ये बड़ी जानकारी सेना की तरफ से दी गई है. 6 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी. वो भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, घुसपैठ कर रहे थे. इसमें 4 आतंकी पाकिस्तान भागने में कामयाब रहे, ये सेना की तरफ से जानकारी दी गई है. जब वो घुसपैठ कर रहे थे सेना की तरफ से फायरिंग की गई उसमें, और परसों हुई थी घुसपैठ की कोशिश. ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, परसों ये घुसपैठ की कोशिश हुई थी. 26 सितंबर को एक घुसपैठिया आतंकवादी मारा गया, सेना की कार्रवाई का शिकार हो गया, और बड़े पैमाने पर अब सेना तलाशी अभियान चला रही है. ২০১৬ में जैसे उरी हमले की फिराक में ये आतंकी थे, ये सेना के हवाले से बताया गया है. तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान जुड़ गए हैं. आपका परिचय उनसे कराते हैं. हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी और राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी जुड़ गए हैं. बहुत स्वागत है सर्वेश्वर पाठक जी और प्रफुल्ल बख्शी जी आप दोनों का. सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी जी, ये पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, नापाक मंसूबे हैं, वो अभी भी जारी हैं. भले ही वहाँ पर सीज फायर का हवाला दिया जा रहा हो, बात की जा रही हो, दरियादिली दिखाई जा रही हो कि हमने सीज फायर कर रखा है, लेकिन नापाक मंसूबे अभी भी जारी हैं. बख्शी जी, यू वेरी मच चैनल में आने के लिए. पाकिस्तान के मंसूबे कब पूरे ठीक नहीं थे, सभी ऐसे ही थे, शुरू भी ऐसे ही कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं. मेरे को तो कोई फर्क नहीं दिख रहा. उन्होंने पहले कहा था वी कट इंडिया बाय 1000 कट डीट इंडिया, वो अभी भी कर रहे हैं. और हमारा जो रवैया है वो डिफेंसिव है. हम उनकी वेट करते हैं, वो आएंगे, वो हम पर हमला करेंगे, फिर हम उनको ढेर करेंगे. हमारा हमारे सैनिकों की बहादुरी में कोई कमी नहीं है, उनके एक्शन में कोई कमी नहीं है. कमी है हमारी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में. अभी जब आपने कह दिया है कि हम पीओके को लेके रहेंगे, और आप कब से 6 साल से कहते आ रहे हैं, अभी तक पीओके लिया ही नहीं है. एक सर्जिकल स्ट्राइक करी, एक बालाकोट स्ट्राइक करी, मानता हूं उससे फर्क नहीं पड़ता. इस समय पीओके
अगर हमारे पास होता तो तालिबान और पाकिस्तान मैरी नहीं कर सकते थे, मिल नहीं सकते थे, और अफगानिस्तान में वो हालत नहीं होती जो अभी होती है अगर पीओके इंडिया के कंट्रोल में होता, और चाइना सीपीईसी नहीं बना सकता, पर वो नहीं हुआ, खैर कोई बात नहीं। पर अब हमको चौंक जाना चाहिए, हमें पता है पीओके खुला हुआ है, और आपके नैरेटिव से भी बताया गया हर जगह से आ रहे हैं, पीओके से ही आ रहे हैं। हमको घुस के उनको, हमारे पास में सारे प्रावधान है, अटैक हेलीकॉप्टर, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, मल्टीपैरल रॉकेट लॉन्चर, आपके पास है क्या नहीं? आप उन जगहों को ढेर कर सकते हैं और फिजिकली ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ये हमारी पॉलिटिकल बिल की रिक्वायरमेंट है। और दूसरी बात, जब ये आए हैं आतंकी, इतने सारे साथ मारे, चार भाग गए, इनका किसका सपोर्ट था? पाकिस्तान आर्मी तो कर रही है, पर यहाँ पे 3% का सपोर्ट है, भारत में 3% मौजूद है जो इनको रिसीव कर रहे हैं, उनको जगह दे रहे हैं, उनके लिए एम्युनिशन, उनके लिए जगह, खाना, पानी, रसद, सब कुछ उनको मिल रहा है, मुहैया हो रहा है। हमको, हमने उन 3% को क्या किया? माना अभी हमारी जो माहौल श्रीनगर का बरसात ठीक हो गया है, फ्रेंडली एटमोस्फियर है, लोग हमारी तरफ हैं, झुकाव है विद इन द हार्ट एंड माइंड ऑफ पीपल, हमने काफी हद तक किया है, पर अभी भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी स्लीपर सेल्स इसलिए नहीं खत्म हो रही क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल पूरे सिक्योरिटी का एक कमांडर के अंडर नहीं है। अभी भी अलग अलग फोर्सेज हैं, कितनी पैरामिलिट्री है, कितने इंटेलिजेंस है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, और यही प्रॉब्लम है भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। जब तक सिक्योरिटी मिनिस्ट्री बने ना, या डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन पूरा हो एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंडर में, और फोर्सेज उसके तहत हो। अभी जब मैं सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, तो सारी जो कंट्रोल है सीडीएस के अंडर में बाद में रिपोर्टिंग होनी चाहिए, और डिफेंस मिनिस्टर को ये चेन ऑफ कमांड होना चाहिए, बीच में हम नहीं कर रहे। और हुरियत और ऐसे लोगों को अभी भी बोलने दिया जा रहा है, खुले आम बैठे हुए हैं, तो आप देखिए ये सारा का सारा इतनी जल्दी आसानी से खत्म नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा रसद और एम्युनिशन उनको मिल चुका है, 80 बिलियन डॉलर का एम्युनिशन उनके पास में है। अभी चाइना ही नहीं, टर्की, ओआईसी और शंघाई कॉपरेशन से पैसा आ रहा है, और सारे मिलके हम पर हमला करेंगे, टर्की, चाइना, पाकिस्तान और तालिबान। ठीक है, आते हैं आपके पास, मामला सीरियस है। ठीक है, आते हैं आपके पास सर्वेश्वर पाठक जी। बख्शी साहब साफ कह रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल पावर की कमी है। एक तरीके से वो कह रहे हैं कि हम बातों के बयान भी ज्यादा हैं, काम करने में कम विश्वास रखते हैं, जब हमारे ऊपर अटैक हो जाता है उसके बाद हम रिटेलिएट करते हैं। एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं और रहे हैं, और उनकी वीरता में कोई दो राय नहीं है। जैसा कि उन्होंने भी बोला कि हमारे जवान इतने वीर हैं कि उन्हें किसी भी लेवल पे फाइट दे सकते हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कही कि पॉलिटिकल विल की कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर हमारे सेना को चार वो आतंकवादी भागने में सफल कैसे हो गए? अगर आप जहां पे इंगेज कर रहे हैं तो वहां पे आप कुछ ऐसे इंतजाम करिए कि आप हेलीकॉप्टर या कुछ करके इस विषय पे बख्शी साहब ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं कि वो जो चार भागने पे सफल हुए उसे हेलीकॉप्टर से रॉकेट लॉन्चर मार छोप मार के उसे खत्म कर दिया जाता, न्यूट्रलाइज किया जाता, ये हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? तो इस चीजों पे अगर वो सफल हो जाते, आप देखिए अली बाबर जो पकड़ा गया है वो पूरे सेना के देश में है, उसका कपड़ा भी हमारे भारतीय सेना से मिलता जुलता पूरा उसी तरह लग रहा है। अगर वो उरी अटैक में फिर से सफल हो जाते तो कितनी बड़ी मतलब फेल्योर हो जाती, हम बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी फिर से हमला करवाते या उस पर स्ट्राइक करवाते पाकिस्तान पे, वो बात की बात है। क्योंकि चारों तरफ ये हमें पता है, जब से तालिबान ने वहां पे किया है इनकी हिम्मत बढ़ गई है और ये करेंगे ऐसे हरकतें, तो हमारे जवान तो मुस्तैद हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनको डिसीजन लेने के लिए फुल छूट दे देनी चाहिए। जैसे कि अभी चार आपने बोला सात दिन में, छह दिन में सात आतंकवादी मारे गए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ी बहादुर से हमारी सेनाओं ने मारा, लेकिन वो चार जो हमारी सीमा में घुस के वापस भाग कैसे गए,
उन्हें तो वहीं पे ढेर कर देना था हमारी सेना को, थोड़ी सी चूक वहां हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सेना मुस्तैदी नहीं है। रही बात पॉलिटिकल विल की, तो उसमें बहुत सारे चीजों देखा जा सकता है कि आखिर अगर यहाँ हमें पर रुके एक ऐसा छोटे नहीं से है। ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बख्शी साहब से पूछेंगे कि आखिर कुछ पार्टियां ऐसी भी हमारे यहाँ जो वॉर मॉन्गरिंग की बात करने लगती हैं। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है राजधर्म में। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की एक साजिश को भारतीय सेना ने एक बार फिर से नाकाम किया है और उड़ी सेक्टर में एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा है। इसी विषय पर हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी और राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, हमारे यहाँ आप कह रहे थे कि प्रो अप्रोच होनी चाहिए, ऑफेंसिव अप्रोच होनी चाहिए, डिफेंसिव अप्रोच को थोड़ा सा तिलांजलि दे देनी चाहिए कुछ समय के लिए, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि युद्धोन्माद फैला रहे हैं, वॉर मॉन्गरिंग की जा रही है। जितने होती है, यही तो प्रॉब्लम भारत में रही है कि हम लोग लड़ने को तैयार नहीं थे। अगर लड़ने की में सक्षम तैयारी पूरी करी होगी, भारत सिर्फ सैनिक की बहादुरी पूरी नहीं होती, उसको साजो सामान देना होता है, उसको प्रॉपर क्या क्या कहते हैं डॉक्ट्रिन के तहत, उसको प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत लगाया जाता है। ये इसकी कमी इसलिए थी, 62 वॉर का से आपका मैं उदाहरण नहीं देना चाहता दोबारा घड़ी घड़ी, पर आपने उसमें देख लिया आपने क्या हालत हुई। जहां पे हम जीत गए तो वहां पे भी वापस कर रहे हैं, हाजी पीर जीता और तश्तरी में वापस कर दिया। आप जितनी भी हमने जहां पे भी जीत पाई है और वहां पे उसको हम लोग उसका फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि हमारी डॉक्ट्रिन में नीतियों में कमी रही है। ये नीति है पॉलिटिकल वीकनेस के कारण, इसीलिए हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है। पर मैं आपको बता देता हूं, प्रेजेंट जो रिजीम है, गवर्नमेंट है, बड़ी जल्दी इसमें चेंजेस ला रही है। इसका रिजल्ट आपको दिख रहा है, जो सर्जिकल स्ट्राइक थी इसका रिजल्ट, बालाकोट थी इसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। पर अगर दो कदम आगे लें और अपना डिफेंसिव से ऑफेंसिव पोस्चर करेंगे जो हम कर रहे हैं, पर उसके लिए भी अंदर की नीतियों में बड़ा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इसके ऊपर नहीं चाहती कि ये चेंजेस इसमें लाए जाएं। ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम लोगों को नहीं पता होती कि क्या प्रॉब्लम आती है। ऐसे नहीं कि फौज ने कहा मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं फौज लड़ाई, और ऐसा नहीं होता। फौज को कहा जाता है तभी फौज लड़ती है, और फौज को रोका जा रहा है, कई जगह रोका गया है, और यही प्रॉब्लम है कि हमारी आप जो बात कर रहे हैं लोग बेलिजरेंट एटीट्यूड अब भारत का कहते हैं कि लड़ने का और वॉर मॉन्गरिंग के लिए तैयार है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर अगर अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना है और अपने जो डेमोक्रेसी को बनाए रखना है, सॉवरेनिटी को बनाए रखना है, तो आपको लड़ना पड़ेगा, वही शास्त्री को शस्त्र उठाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक साथ होता है, द्रोणाचार्य के जैसे एक साथ दोनों काम होते हैं। आप सिखा भी रहे हैं, आप पंडिताई भी कर रहे हैं और युद्ध भी कर रहे हैं। ये पहले प्रचार था इसका और होता था, ये हमारे मेंटल थिंकिंग से बाहर चला गया है, और इसीलिए हम सोचते हैं हम शांति प्रिय देश है, अहिंसा वाले देश है, तो लड़ेंगे नहीं। और इस तरीके से हम बातें करके, और आपने 50,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना को खो दिया है, 50,000 स्क्वायर किलोमीटर एक स्टेट होती है वो आपके हाथ से जा चुकी है। गलवान में नियरली अगर फौज ने 29-30 की अगस्त को रात को वो ऑपरेशन ऑपरेशन ना दिखाया होता, वो भी किया जाता तब। और 1967 में जनरल राठौर ने गवर्नमेंट का ऑर्डर फाड़ के फेंक दिया था जब उनको कहा कि नाथुला खाली करो, और उसे 500 चाइनीज मार दिए तब नाथुला बचा। जनरल सुंदर जी ने एक पूरी ब्रिगेड इंडक्ट करी गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट, और गवर्नमेंट उसे नाराज हो गई, उनके सैनिकों को मेडल नहीं लेने दिए, उनके सैनिकों को अलाउंस नहीं मिले, इतनी नाराज हो गई ब्यूरोक्रेसी। और हमारी फौज को कहा गया था आप सियाचिन छोड़ दीजिए, हमारी फौज ने मना कर दिया, और कुछ इंटेलिजेंट लोग थे गवर्नमेंट में उनको समझ आ गई, नहीं तो आज सियाचिन चाइनीज के पास और पाकिस्तान के पास होता आपकी हालत देखने वाली होती। आप खुद ही बता दीजिए नक्शे को देखकर, अगर सियाचिन उनके हाथ में होता तो क्या होता। ये चीजें जो है
कारण है और ये गलत जो पॉलिटिकल बॉडी की कमजोरी के कारण है, इसको भारत को ठीक करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। ओके सर। सर्वेश्वर पाठक जी, लगातार पॉलिटिकल बिल की बात की जा रही थी, हमारे यहाँ के नेता तो कहते थे कि अब सेना को जो है वो दिल्ली की तरफ नहीं पूछना पड़ता ना, उस दिल्ली की तरफ नहीं देखना पड़ता गोली चलाने से पहले, लेकिन प्रफुल्ल बख्शी जी साहब तो कह रहे हैं कि बहुत मजबूरियां हैं, बहुत दुश्वारियां हैं अभी भी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भारत की ब्यूरोक्रेसी है और ये जो बातें हैं आज से नहीं है, जब भारत आजाद हुआ 62 में चाइना से हमारा युद्ध हुआ तो और उन्होंने 42,000 किलोमीटर की जमीन हथिया दी, तो उस समय हमारे तब के प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी ने पार्लियामेंट में कहा कि क्या हो गया, वो बंजर जमीन पे घास का एक तिनका भी नहीं उगता है और उसके लिए आप ये चिल्ला रहे हो। तो वहीं पे उन्हीं के मंत्रिमंडल के, मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने कहा मेरे सर पे एक भी बाल नहीं है, तो इसका क्या मतलब मैं अपना सर कटवा दूं? तो जब हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री जी के ऐसे बोलते, तो अभी के जो राजनेता हैं उस प्रधानमंत्री के अगल बगल भी नहीं है। हाँ, रही अभी के प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात, तो वो एग्रेसिव है, लेकिन जैसा कि प्रफुल्ल सर का कहना है कि हमें काउंटर अटैक में विश्वास रखना चाहिए। बहुत हो गया अहिंसावादी देश और ये देश, ये सच्ची में है कि हम बहुत कर लिए, अब हमें उनको ऐसा दिखाना चाहिए। अगर वो चार हमारे यहाँ से भाग के गए हैं, हम उसके 400 मार दे, जो हमारा लॉन्च पैड अभी भी, जो उनका लॉन्च पैड अभी भी पीएफओ में सक्रिय है, तो ऐसी सक्रियता दिखानी पड़ेगी। एक बार एयर स्ट्राइक या बालाकोट करके हम चुप बैठे, उससे कुछ नहीं होने को है, क्योंकि उनका मनोबल फिर से बढ़ जाता है। तो ऐसी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आए, और सीडीएस भी क्रिएट किया गया है, जैसा कि सर ने बताया था कि सब इधर है उधर है बटे हुए हैं, जो सीडीएस को क्रिएट किया गया था उसे पूरी फुल पावर दी जाए और उसके बाद स्ट्रेटेजी के तहत काम किया जाए, तभी हम इस पाकिस्तानी की जो ये नापाक हरकत है, जो वो एक चोर की भांति, एक मतलब कि आता है आतंकवादी को भेजता और भाग जाता है, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट लड़ाई भारत से कर सके, एक दिन भी नहीं टिक सकेगा। तो पॉलिटिकल विल में थोड़ी सी, अभी के पॉलिटिकल विल, मोदी जी चाहे जो भी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में शामिल है उनमें थोड़ी सी और चेंजिंग लाना पड़ेगा, थोड़े से, क्योंकि हम कब तक ये जो छद्म युद्ध है पाकिस्तान के साथ लड़ते रहे, क्योंकि आतंकवादी आते हैं तो उसमें हमारे सिक्योरिटी पर्सनल भी बलिदान देते हैं, ऐसा नहीं है, अभी अभी ही जो हुआ है उसमें कितने घायल हुए हैं। तो इस चीज को बंद करने के लिए आपको समय समय पर एयर स्ट्राइक करना पड़ेगा, बालाकोट जैसे करने पड़ेंगे स्ट्राइक पाकिस्तान के। ठीक है सर ऋषि जी, यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए, चर्चा लगातार जारी है, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधर्म में हम बात कर रहे हैं कि भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक साजिश को जो है वो फेल कर दिया है। उरी सेक्टर में ये साजिश रची गई थी और दो आतंकवादी इस दौरान, एक को मार गिराया गया और एक को जिंदा गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, सर ये तो हर साल यही आलम होता है, जब भी बर्फ गिरने का समय आता है उससे पहले घुसपैठ इसी तरीके की इसकी शुरुआत हो जाती है, तो हर बार से स्ट्रेटजी में कुछ आर्मी की तरफ से भी कुछ बदलाव क्यों नहीं लाए जाते, जब पता है कि हर बार की तरह ये होना ही है और वो सीज फायर का जो अभी चल रहा है वो तो सिर्फ दिखावा है, पाकिस्तान तो कुछ कहता है और कुछ करता है, ये तो सभी को पता है। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर क्योंकि आपके पास होगा तो 70-80% तो वैसे ही अपने पास एरिया में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास होता तो सब कुछ हम अभी तक कंट्रोल में ले लेते, अगर हमने नहीं लिया तो अब हमें अपनी चौकस बढ़ानी पड़ेगी, जिसको कहते हैं हमें अभी ड्रोन का इस्तेमाल और अत्यधिक करना पड़ेगा। आर्म्ड ड्रोन की बड़ी जरूरत है इस समय, जो हमने प्रेडेटर की बात हो रही थी वैसे ड्रोन, और चाइना, पाकिस्तान के पास ऑलरेडी चाइनीज बनाया उत्तम है, वो अटैक ड्रोन है, हमको अटैक ड्रोन की जरूरत होगी कि
जस्ट एयरक्राफ्ट से हर जगह नहीं लगाया जा सकता, ड्रोन की रेंज और एंड्योरेंस बहुत होती है और घंटों बैठे बैठे रहते हैं, तो आप वो गश्त लगाते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा। अभी आज भी इस आतंकवादी से जो वीपन्स जो हैं, जो हथियार बरामद हुए हैं, उसमें मेड इन चाइना भी बहुत सारे हैं। सारे हथियार चाइना से आ रहे हैं और कुछ और जो पाकिस्तान के पास है वो चाइना से आ रहे हैं। तो ऐसे हथियार कोई बहुत बड़े नहीं है, 4 AK-47 और 9 पिस्तौलें और 80 ग्रेनेड, ये बड़ा कॉमन वेपन है, ये सिर्फ दहशत फैलाने के लिए ठीक है। वो मैं मानता हूँ कि एक इन्फेंट्री सोल्जर के लिए काफी है, पर ऐसे लोगों को अगर आपको डिटेक्ट करना है तो एक सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल, एक ऑप्स रूम बनेगा, जैसे आपके टेलीविजन का एक सेंट्रल रूम होता है जहां से सबको कंट्रोल किया जाता है, एग्जैक्टली वही होगा। हरेक सेक्टर का कंट्रोल, हरेक सेक्टर का जो ड्रोन का इंफॉर्मेशन सामने आपके स्क्रीन में आ रही है, वहीं पे कमांडर बैठे होते हैं, वहीं तक ऑर्डर जाता है। इसको मैं कह रहा हूँ सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल, और पूरे जम्मू एंड कश्मीर एक कमरे से कंट्रोल हो सकता है। और हमको खर्चा करना पड़ेगा, हमको टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी और चौकस लगनी पड़ेगी। इंटरनल सिक्योरिटी को जब स्लीपर सेल को खत्म करेंगे अपने आप आना कम हो जाएगा। जब आपके स्लीपर सेल तगड़े हैं और इनकी दुकानें खुली हुई हैं, बिस्तर गर्म है, तो टेररिस्ट को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आके महीनों रहते हैं और आगे पीते रहते हैं, पैसे मिलते हैं, एम्यूनिशन मिलता है, काफी हद तक कंट्रोल कर दिया इस गवर्नमेंट ने। पत्थरबाजी जैसे आप कह रहे हो खत्म हो गई है और आर्ट्स एंड माइंस हम विन कर रहे हैं, पर अगर हम ऑफेंसिव थोड़ा होंगे तो उनका आने के द्वार बंद कर सकते हैं और ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा ये है, ऑफेंसिव में हम पीओके पे जब पूरा ले लेंगे उसके बाद आप उसको उनके पाकिस्तान के एरिया के निरंतर आप उनको 1000 कट दीजिए। आप 1000 कट की वेट क्यों करते हैं? आप अपनी नीति चेंज करिए। अगर पाकिस्तान उग्रवादी जैसी चीज पैदा कर सकता है तो आप भी उग्रवादी ना हो बल्कि एटलीस्ट ऑफेंसिव बॉर्डर पेट्रोल तो हो ताकि उनके सिपाहियों को पकड़ के आप अंदर करने की कोशिश करें, अरेस्ट करने की कोशिश करें। ये सारी की सारी चीजें हो सकती हैं और इस एरिया में, इस सब कॉन्टिनेंट में सारी कंट्रीज को मिलके अब ये बात करनी होगी। इंडिया, मलेशिया, सॉरी पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सारी कंट्रीज मिलके अपने एक संगठन तैयार करें कि किस तरीके से एंटी आतंकवादी एक्टिविटीज को बढ़ावा दें और किस तरीके से ट्रेनिंग दें। और इस ट्रेनिंग के लिए बाहर की कंट्रीज आ सकती है, वियतनाम इज रेडी। वियतनाम ने कहा मैं अपने एक्सपर्ट भेजूंगा आपको, आपका नॉर्थ ईस्ट में और इस एरिया के अंदर वियतनाम का एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है, कोरिया का एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है हमें, और वो तैयार है, वो हमसे टेक्नोलॉजी लेकर बल्कि हमारे साथ एक्सरसाइज करते हैं और हमसे सीख के जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है हमें उनको इन्वॉल्व करने की? देखिए हमको अब एग्रेसिव और ओपन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हमें ये नहीं कहना पड़ेगा हम नॉन अलाइंड हैं और ये दखल नहीं देते और गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी के नाम लेना शुरू कर दो बात में। ये सब कुछ बात बिल्कुल अब हिस्ट्री बन गया है, इतिहास, जिसको आप अलग रखिए। अब ब्रेव न्यू इंडिया पैदा हो रहा है, उसको देखिए और उसको आगे करिए। ठीक है सर्वेश्वर पाठक जी, ये बात अच्छी है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से शुक्रवार की नमाज के बाद एक पत्थरबाजी का दौर शुरू हो जाता था वो उस पर अभी लगाम लग गई है, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। अब कुछ उससे आगे बढ़ के भी करने की ज़रूरत है सरकारों को। कब तक हम सिर्फ बातों में यकीन करते रहेंगे कि हम लाल लाल आँख दिखाएंगे? हम दूसरों से कहते हैं, हम संयुक्त राष्ट्र में जाके करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो है वो इस पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करे, लेकिन हमने नहीं कर रखा। हम ही उसका नाम लेने से घबरा रहे हैं, हम ही उसको एक कोट करके नहीं बोल रहे, हम दूसरों से क्यों उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए आपका कहना सही है कि जो कश्मीर में है जो ये पत्थरबाजियों की घटना थी, और इसकी मैं खुद प्रत्यक्ष गवाह हूं। मैं 2013 में जम्मू कश्मीर पुलिस को ये ट्रेनिंग देना था सॉफ्ट स्किल पे, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सोशल वर्क डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट था और जम्मू कश्मीर पुलिस का था। वहां पे मैं अनंतनाग में पुलिस लाइन में था और हमारा ट्रेनिंग सेशन चल रहा था। वहां पे जो अभी जो आईजी कश्मीर है विजय कुमार जी, वो उस समय डीआईजी थे। इवनिंग में वो हमारे लोग के साथ बैठते थे और बताते, उस समय शोपियान में वो टेररिस्ट अटैक हुआ था,
तो वहां पे जो डीएसपी पोस्टेड थे वो आके बताते थे कि 60 इयर्स ओल्ड लेडी पत्थर मार रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 60 इयर्स ओल्ड लेडी पत्थर क्यों मार रही है, क्योंकि शाम में सबको पैसे मिलते थे। तो उस चीजों पे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने पूरे स्ट्रेटेजिकली पूरा प्लानिंग करके उसको बहुत हद तक कामयाबी पाई है। और अभी देखिए कि इस 15 अगस्त पे पूरा जम्मू कश्मीर तिरंगे से पट गया था, जो एक लाल चौक पे तिरंगा लहराने के लिए कितनी मशक्कत उठानी पड़ती थी, भले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे मौजूद थे। तो धीरे धीरे समय आएगा, लेकिन जैसा कि प्रफुल्ल सर बार बार बोल रहे हैं कि हमें ऑफेंसिव होना पड़ेगा, और ये करेंगे तभी वो जो पाकिस्तान जो ऐसी हरकत करता है उसमें सुधार आएगा। और साथ ही साथ हम इजराइल का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वहां पे जितने भी हमास रॉकेट डालता है उसमें से इक्का दुक्का रॉकेट आके इजराइल में गिरता है और वहां पे उसकी वहां पे क्षति पहुंचाता है। आप इजराइल की बात कर रहे हैं, इजराइल के इजराइल को देखकर ही हमारे यहाँ पैलेट गन का यूज किया गया था, और पैलेट गन के बाद क्या कुछ हुआ था ये आपने देखा था। फिलहाल बहुत शुक्रिया बख्शी साहब और सर्वेश्वर पाठक जी, आप दोनों का एनबी न्यूज में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि क्या पाकिस्तान की जो नापाक साजिशें हैं ये इसी तरीके से जारी रहने वाली हैं, या फिर भारत की तरफ से कोई महत्वपूर्ण जवाब हाल फिलहाल में दिया जाएगा।